राधे राधे फ्रेंड्स मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल सेवन नॉट्स में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए ये लेडीज बूटी लेके आई हूं ये मैंने थंब वाली बनाई है और इन्हें बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये सॉक्स मैंने छ नंबर के लिए छ नंबर फुट जिसको भी होता है थर्टी एट नंबर जिसमें आता है उसको बहुत आराम से आएगी लेकिन मैंने अपने वीडियो में फाइव फाइव सिक्स की तो ये है फाइव के लिए और सेवन एट के लिए भी इसे बताना बताया है कि इसे अब सेवन और एट के लिए कैसे इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स ये सॉक्स बनाते समय मैंने यहाँ पे एडी की जो हमारी हील होती है उसकी शेपिंग की है जनरली हमारे यहाँ पे ना एक पॉइंटेड सा एरिया आता है यहाँ पर वो पैर में अनइजी सा होता है तो मैंने यहाँ पे इस एडी की भी शेपिंग की है यहाँ पर फ्रेंड्स ये सॉक्स मैंने वर्धमान की ब्रैलोन वूल आती है उसे यूज करके बनाया है और मुझे एक को बनाने में अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी ग्राम यूज हुई है तो ये दोनों सॉक्स मेरी फोर्टी ग्राम्स में बनकर रेडी हो गई हैं फ्रेंड्स मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस सॉक्स को बनाने के लिए एक फ़ुट मैंने रेडी कर लिया है और दूसरा फुट मैं आपके साथ यहाँ पर अभी इस वीडियो में बनाऊंगी इस सॉक्स को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने अपने निडल में 66 फंदे कास्ट ऑन किए हैं अगर आप इसको थोड़ा ऊंचा करना चाहते हैं इसको मैंने एंकल लेंथ का बनाया है आप इस, इस नेक को थोड़ा हाई और हाई करना चाहते हैं तो आप इसमें पाँच दस फंदे और ज़्यादा कर सकते हैं मैंने इसमें सिक्सटी सिक्स स्टिचेस डाले हैं फ्रेंड्स और मेरी स्टार्टिंग में यहाँ पर ये जो एडी की शेपिंग हुई है इसमें मेरे चार स्टिचेस और बढ़ जाएंगे तो बेसिकली यहां पर हमारे सेवेंटी स्टिचेस हो जाएंगे तो ये देखिएगा मैंने सिंगल स्टैंड से बिल्कुल सिंगल स्टैंड से जो सिंपलेस्ट फंदे होते हैं हमारे वो मैंने डाल लिए। मेरे पास यहाँ में सिक्सटी सिक्स स्टिचेस हैं मैंने अपने फंदों के एकदम सेंटर में फ्रेंड्स एक मार्कर लगाया है थर्टी थ्री फंदे मेरे इस मार्कर के इस साइड हैं और थर्टी थ्री फंदे ही मेरे लेफ्ट साइड पर हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस तैंतीस फंदे मेरे थर्टी थ्री स्टिचिज मेरे मार्कर के इस साइड हैं और थर्टी थ्री स्टिचेज ही मेरे पास मार्कर के इस साइड है ये मेरे बिल्कुल इसका सेंटर पार्ट है अब फ्रेंड्स हम ये सारे फंदे यहाँ से सीधे सीधे निट कर लेंगे इस मार्कर तक पूरे मार्कर तक हम ये सारे फंदे सीधे सीधे निट कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपने लास्ट थर्टी थर्टी थर्ड फंदे पे आई हूँ अब मैं इस फंदे को दो बार नेट करूंगी अब मैंने एक बार नेट किया अब इसको बिना उतारे मैं इसे एक बार और नेट कर दूंगी ऐसे यहाँ पे बेसिकली हमने एक फंदा बढ़ा दिया तो हमारी फंद जब हम सॉक्स बनाते हैं पीछे से जब इसको स्टार्ट करते हैं बैक से तो यहाँ पे एक चोंच जैसी निकलती है तो बेसिकली हम इस एडी की शेपिंग दे रहे हैं सो so दैट यहाँ पर वो चोंच जैसी नहीं निकलेगी अभी मार्कर उतारेंगे और यहाँ पर जो ये फर्स्ट फंदा है इसे भी सेम लास्ट वाले फंदे की तरह एक बार एक बार हमने निट किया इसे बिना उतारे हम इसे एक बार फिर से निट कर देंगे तो इस तरीके से हमने दोनों फंदे दोनों साइड पर एक एक फंदे बढ़ा दिए और हमारे इस रो में हमने दो फंदे इंक्रीज कर दिए हमने 66 से स्टार्ट किया था हमारी नेडल में 68 एट स्टिचेस हो गए हैं अब ये पूरी रो एंड तक सीधी सीधी हम नेट कर देंगे देखिए ये मैं उल्टी रो पे आ गई हूँ अपने और उल्टी रो में यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये वाले जो बॉर्डर के फंदे हैं फ्रेंड्स ये मैंने आठ रखे हैं अब अगेन ये आपकी इच्छा है आप इसको पाँच भी रख सकते हैं आप इसको ग्यारह बारह तेरह भी कर सकते हैं दस भी कर सकते हैं ये वाले फंदे मैंने आठ रखे हैं तो आप जितना चाहें ये उतना रखिए आठ रखिए या पाँच रखिए दस रखिए जितना आपकी इच्छा हो और ये आप उतने रखिए सॉक्स में फोर और फोर फाइव सिक्स नंबर ये बेसिकली मैं छः नंबर के लिए बना रही हूँ छः नंबर के लिए चार पाँच या छः नंबर चार पाँच छः के लिए ये जो मैं बना रही हूँ सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप सेम एज़ इट इज बनाइएगा और जो सात नंबर में सात या आठ नंबर के लिए जो तो चेंजेस होंगे मैं आपको बताऊंगी सात नंबर सॉक्स के लिए भी कास्ट ऑन आप सेम सिक्सटी सिक्स फंदे ही कीजिएगा उसके बाद आगे जो चेंज आएगा वो मैं आपको बताऊंगी कि सात नंबर के लिए तो क्या चेंज होगा फिलहाल जो हम कास्ट ऑन करेंगे ये वाला पार्ट जो है ये सात चार पाँच छः सात आठ सबके लिए सेम रहेगा तो अभी मैंने यहाँ पर अपनी एक सीधी सिलाई कर ली है और मैंने दो फंदे यहाँ बढ़ा दिए हैं अब मैं आ गई हूँ अपनी उल्टी सिलाई पर और अब उल्टी सिलाई में हम स्टार्टिंग में अपने ये जो बॉर्डर वाला फंदे हैं ये वाले इनको हम इनको हम बनाएंगे यहाँ पर तो ये मैंने आठ फंदे रखे हैं तो पहला फंदा बिना बने मैं उतारूंगी उसके बाद धागा पीछे ये फंदे मुझे हर बार सीधे ही बुनने हैं एक हो गया एक उतारा था मैंने दो तीन चार पाँच छत आठ ये आठ फंदे हो गए अब इन आठ फंदों के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और ये पूरी रो एंड के आठ फंदों तक पूरी की पूरी रो हम उल्टी उल्टी नेट कर लेंगे जो सेंटर का मार्कर आएगा बड़े हुए फंदे जो हमने फंदे इंक्रीज किए थे उन सबको भी हम उल्टा उल्टा नेट करते हुए लास्ट के एट फंदों तक आ जाएंगे ये देखिए मेरे पास लास्ट में मेरे पास आठ फंदे बचे हैं अब मैं धागा पीछे करूंगी और ये आठों फंदों को मैं सीधा सीधा नेट कर लूंगी फ्रेंड्स ये जो आठ आठ, आठ 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 फंदे दोनों तरफ हैं ये मेरे हर बार सीधे सीधे ही नेट होंगे बीच के फंदों को मैं स्टॉक नेट करूंगी और ये वाले फंदे हर बार हम इनको सीधा ही नेट करेंगे ये मेरी सेकेंड रो कम्प्लीट हो गई अब मैं आ गई अपनी थर्ड रो पर ये फिर से मेरी सीधी रो है और फिर से मुझे यहां पर जिस तरीके से मैंने अपनी लास्ट रो में एक फंदा बढ़ाया था सेम सेम तरीके से मैं यहाँ पर आकर फिर से अपना एक फंदा बढ़ाऊंगी अब ये फिर से ये पूरी की पूरी रो जो है इसे सीधा सीधा निट कर लूंगी पहला फंदा बिना बुने उतारूंगी धागा पीछे और सारे फंदे सीधे सीधे मार्कर तक सीधे सीधे निट कर लू ये देखिए मैं फिर से अपने मार्कर से पहले आ गई हूँ सेम जैसे लास्ट टाइम किया था इस फंदे को बुनिए इस बंदे को मैंने नेट किया और अपनी निडल से उतारे बिना मैं इस फंदे को पीछे से एक बार फिर से नेट कर दूंगी तो मैंने एक और फंदा बढ़ा दिया मार्कर उतारी अब इस मार्कर की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी बिकॉज हमें दो ही फंदे इंक्रीज़ करने थे फिर से इस वाले फंदे को आप एक बार बुनिए नेट कीजिए और फिर से इसे बिना अपनी निडल से उतारे एक बार इसे फिर से बैक लूप से बुन दीजिए पीछे वाले फंदे को एक फंदे को दो बार बुन के हमने यहाँ पर चार फंदे दो बार पहले इंक्रीज़ किए दो अब इंक्रीज़ किए तो मेरे पास अब मेरी निडल में सेवेंटी स्टिचेज हो गए हैं फ्रेंड्स अब मैं इनको और नहीं बढ़ाऊंगी ये मेरी जो ए, एडी होती है हील की जो शेपिंग होती है वो कंप्लीट हो गई है अब फ्रेंड्स ये पूरी सिलाई ये पूरी रो मैं सीधी करूंगी उसके बाद मैं स्टार्टिंग के आठ फंदों को सीधा रखकर फिर ये पूरी रो उल्टी करके और यहाँ पर स्टार्टिंग के जो आठ लास्ट के जो आठ फंदे हैं इन्हें मैं फिर से सीधा नेट करूँगी ये देखिए ये मैंने अपनी चार रोज़ कंप्लीट कर ली हैं दो सीधी दो उल्टी और अब मैं आ गई हूँ अपनी फिफ्थ रो पर और फिफ्थ रो में हम अपना कलर चेंज करके ये जो पर्पल वाला कलर है फ्रेंड्स हम इसको लगाएंगे <coughs> मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे ये मार्कर लगाया है बिकॉज जब मैं नेट करती हूँ जनरली वापस आते हुए तो मैं भूल जाती हूँ और मुझे इसको बार काउंट करना पड़ता है तो अपनी ईज के लिए मैंने ये मार्कर लगाया है आप लगाना चाहें तो लगाइएगा नहीं लगाना चाहें अगर आप एक प्रो हैं उसको कर लेते हैं तो आप इसको नहीं भी लगाएंगे अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपनी पर्पल ये वाली जो पर्पल वूल है इसको हमने ज्वाइन करना है इसको ज्वाइन करने के लिए देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बॉर्डर में पर्पल कलर नहीं डाला है तो बेसिकली जब जब मैंने पर्पल कलर डाला है तो मैंने उसमें एक रो स्किप की है मैंने पर्पल रो को यहाँ पर नेट नहीं किया है तो यहाँ पर मैंने एक रो शॉर्ट की है जिससे ये बहुत खुला नहीं बनेगा और ये पार्ट में हमारी पूरी शेपिंग आ जाती है तो ये कैसे करेंगे फ्रेंड्स स्टार्टिंग के जो फंदे हैं जो मैंने पूरी रो नेट की अब मैं फिर से अपनी सीधी सिलाई पर हूँ तो प्लस पहले जो स्टार्टिंग के आठ फंदे हैं मैं उनको एज इट इज सीधा सीधा नेट कर लूंगी जैसे हम नेट करते हैं ये देखिए ये आठ फंदे हो गए अब फ्रेंड्स यहां से हम इसको पर्पल बुनना स्टार्ट करेंगे जो डार्क कलर से आप जो भी कलर दूसरा जो भी दूसरा कलर डालना चाहें वो डा, डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक उसमें लूप बना लिया है और यहां पर मैं इस कलर को ऐसे ज्वाइन कर दूंगी और अब बाकी पूरी रो मैं यहाँ से सीधी सीधी पर्पल कलर से नेट कर दूंगी एक बार यहाँ पर इस लाइट वाला जो पहला कलर है मेरा उसको मैं रैप कर दूंगी सो दैट होल नहीं आ जाए और बाकी सारी रो मैं सीधी सीधी इसी डार्क कलर से इस, इस कलर को यहीं छोड़ दूँगी और इस कलर से मैं ये पूरी की पूरी सीधी सीधी रो नेट कर लूंगी जब भी आप दूसरा कलर ज्वाइन करते हैं तो जो उसका स्ट्रैंड होता है उसको रैप करते हुए चलिए ताकि वो खुल नहीं जाए ये देखिए ये मैं मेरे यहां पे आठ बंदे बचे हैं मेरे बॉर्डर वाले स्टेजेस फ्रेंड्स अब मैं यहां से टर्न हो जाऊंगी अब मैं इसको यहाँ से आगे इन इस पर्पल डार्क कलर से मैं इसको नेट नहीं करूंगी मैं यहीं से अपना वर्क टर्न कर लूंगी और ये पूरी रो फिर से उल्टी सीधी सीधी हम जैसे उधर से अब हमें इसको उल्टा नहीं नेट करेंगे अब हम यहाँ पे एक रो जो हमने गाटर की दी हुई है यहाँ पर तो हम यहाँ पर इसको पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा पीछे या इसमें पहला फंदा हम बिना बुने नहीं उतारेंगे धागा पीछे और इनको सीधा सीधा नेट कर देंगे देखिए मैंने अपने पूरे रो, इस इन आठ फंदों से पहले मैंने अपने सारे फंदे पर्पल कलर से नेट कर दिए हैं। अब हम यहीं से वर्क टर्न कर लेंगे अब हम इसको भी जैसे हमने यहां पे छोड़ा वैसे ही हम यहाँ पे भी इसको छोड़ेंगे और यहीं से टर्न हो जाएंगे इसको पर्पल कलर से नेट नहीं करेंगे और अपना जो मोव कलर है उससे कॉन्टिन्यू करते हुए कलर जो वन है जिससे हम बॉर्डर नेट कर रहे हैं उससे नेट करते हुए यहाँ पर अब हम फोर रोज नेट की बना लेंगे सिंपल जैसे हमने फर्स्ट वाले में बनाई थी पहले बार में लेकिन उसमें हमने वहाँ पे फंदे इंक्रीज़ किए थे लेकिन अब हमें कोई फंदे इंक्रीज़ नहीं करने हैं सारे नॉर्मल सेवनटी स्टिचेज हैं हमारे पास और ये सेवनटी स्टिचेज हम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट वाले इस पार्ट में इसका ये फर्स्ट पार्ट जो था इसमें किया था सेम इसी तरीके से हम इसको पूरा सीधा सीधा उल्टा सीधा चार रोज़ की उल्टे सीधे की फ़ोर रोज स्टॉकनेट की फ़ोर रोज़ हम यहाँ पर निट कर लेंगे और वेन जब हम इसको निट करेंगे तो ये जो बॉर्डर के हमारे एट स्टिचेज हैं इनको हम हर बार सीधा सीधा ही निट करेंगे अब ये पूरी रो मैं यहां से यहां तक सीधी करूंगी उसके बाद उल्टी रो में जब मैं अपनी उल्टी साइड पे आऊंगी रॉन्ग साइड पे आऊंगी तब मैं अपने फर्स्ट एट स्टिचेस को निट करूंगी सीधा बुनूंगी उसके बाद बाकी जो सेंटर के मेरे स्टिचेस हैं वो सारे उल्टे बुनूंगी और फिर एंड के आठ स्टिचेस में फिर से सीधे निट करूंगी फिर मैं अपनी थर्ड रो पे आऊँगी थर्ड रो में फिर से पूरी सीधी निट करूंगी और फोर्थ रो में मैं फिर से एक ये आठ फंदे सीधे नेट करके बाकी सेंटर के पूरे पॉल करके और फिर ये आठ के आठ फंदे जो लास्ट के इनको फिर से मैं नेट करूंगी इस तरीके से मैं अपनी चार रोज़ यहाँ पर अपने कलर वन से जिससे मैंने फंदे कास्ट ऑन किए थे उससे इस तरीके से मैं चार रोज स्टॉक नेट बना लूंगी यहाँ पर ये देखिए ये मैंने अपनी चार रोज़ मूव कलर से निट कर ली हैं अब हम यहाँ पे फिर से ये वाला जो पर्पल लाइन है डार्क वाली ये वाली बनाएंगे तो स्टार्टिंग के पहले जो आठ फंदे हैं वो एज़ इट इज़ जैसे आप सीधा सीधा पहला फंदा बना बुरी उतारिए धागा पीछे और उसके बाद ये सात फंदे हम सीधे सीधे निट कर लेंगे अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये यह पर्पल वाला जो धागा है पोपल वाले से नेट करना स्टार्ट करेंगे और मैं अपने जब ये स्टॉक नेट कर रही थी तो मैं अपने पर्पल वाले फंदे को साथ में लॉक करती हुई आई हूँ तो यहाँ पर अब ये हम पूरी रो सीधी सीधी पर्पल से नेट कर देंगे जैसे हमने इस टाइम किया था लास्ट टाइम किया था सेम सेम तरीके से हम इस, इस पूरी रो को सीधा सीधा नेट कर लेंगे लास्ट के एट स्टिचेज़ रहने तक देखिए ये लास्ट में मेरे पास आठ फंदे बचे हैं अब मैं जैसे लास्ट टाइम किया था सेम उसी तरीके से मैं अपना वर्क टर्न कर लूंगी ये धागा पीछे करूंगी और यहां से मैं ये सारे फंदे सीधे सीधे कर करूंगी अब ये फंदे लास्ट तक एंड तक मैं सीधे सीधे नेट करूंगी और उसके बाद सीधी सिलाई जब सीधी रोज जब आएगी जब फिर मैं अपने फन, अपना वर्क यहीं से टर्न करके इस वाले धागे से कंटिन्यू करूंगी और मैं फिर से चार सिलाइयाँ स्टॉकनेट की कर लूंगी चार सिलाइया स्टॉकनेट की करने के बाद फिर से मैं ये दो दो रोज़ जो है ये गाट, गाटर से डार्क कलर की करूंगी फिर मैं फोर रोज स्टॉकनेट से करूंगी लाइट कलर से मैं इसी तरीके से ऑल्टरनेट करती जाऊंगी और जब जब मैं ये डार्क कलर डालूंगी तो मैं यहाँ पर एक रो स्किप करूंगी उससे जो मेरे फुट की शेप है वो सही ठीक आएगी तो अब मैं इसी तरीके से इसे बनाती जाऊंगी फ्रेंड्स और मैं इसको बनाऊंगी एक दो तीन चार पाँच छः सात मैं पर्पल कलर की यहां पर सात रोज डालूंगी जैसे अब अगर ये सॉक्स आप फोर फाइव सिक्स नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें सिक्स रोज ही ऐसे फोर फाइव सिक्स सेवन रोज डालिएगा और अगर आप उसको एट के लिए बना रहे हैं तो यहां पे हम इसको खुला कर रहे हैं तो हम उसके लिए भी यहां पर सेवन रोज ही डालेंगे लेकिन आगे जो ये वाला पार्ट है हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा नेट करेंगे तो अभी आप यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात मैं यहां पे ये सातों रोज नेट कर लेती हूँ फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन साइज के लिए एट के लिए यहाँ पे एट रोज नेट कर लीजिएगा एक दो तीन चार पांच छह सात मैंने फोर फाइव सिक्स सेवन के लिए आप यहाँ पे सात रोज नेट कीजिए और अगर आपको और बड़ा बनाना है आठ नंबर साइज बनाना है जिसको फोर्टी साइज आता है तो यहां पर आप इस इन रोज को एट कर लीजिएगा तो अभी मैं सेवन रोज नेट कर लेती हूँ उसके बाद हम ये इसको आगे इसकी आगे बताऊंगी मैं इसे आगे कैसे बनाना है ये देखिए ये यहाँ पे मैंने सात रोज अपनी कंप्लीट कर ली हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात ये मेरी सात रोज़ हो गई हैं और उसके बाद मैंने अपना जो चार रोज़ का मैं स्टॉकनेट कर रही हूँ मोव कलर से वो भी मैंने यहाँ पर कर लिया है तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास इन ऑल ये वाली जो लाइंस आई हैं ये सिक्सटीन आ गई हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये रोज़ मेरे पास सिक्सटीन हो गई हैं फ्रेंड्स अब ये जो मेरा फुट का जो पार्ट है जो हमारे ऊपर आता है ये कम्प्लीट हो गया है अब हम इन फंदों को यहाँ से यहां से हम अपने फंदे बंद करेंगे और उसके बाद हम आगे अपनी स्टॉक को निट, अपनी सॉक्स को निट करना स्टार्ट करेंगे अब फ्रेंड्स अगर आप ये सॉक्स फोर फाइव सिक्स के लिए बना रहे हैं तो हमें सेंटर में फोर्टी सिक्स फंदे बहुत हैं अगर आप इसको सेवन एट के लिए बना रहे हैं तो आप सेंटर के जो फंदे हैं ये फोर्टी एट फिफ्टी भी रख सकते हैं तो अभी मेरे पास यहाँ टोटल सॉरी फोर फाइव के लिए यहाँ पे फोर्टी सिक्स फंदे रखिएगा सिक्स सेवन एट के लिए यहाँ पे सिक्स सेवन के लिए यहाँ फोर्टी एट फंदे रखिएगा और अगर आप एट नंबर बना रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर में फिफ्टी स्टिचेस को छोड़िएगा अब मैंने जब अपने फंदे कास्ट ऑन किए थे तो मेरे सिक्सटी सिक्स किए थे फिर मैंने चार फंदे बढ़ाए अब मेरे पास यहाँ मेरे नडल में सेवनटी स्टिचेस हैं सेवनटी में से मुझे सेंटर में फोर्टी एट स्टिचेज रखने हैं और बाकी साइड से मुझे फोर्टी एट सेवनटी में से फोर्टी एट जाएंगे तो ट्वेंटी टू आता है तो मुझे साइड से 22 टू स्टिचेस बंद करने इलेवन मैं राइट हैंड लेफ्ट साइड से बंद करूंगी और इलेवन स्टिचेज ही मैं राइट साइड से बंद करूंगी अब वो देखिए कैसे ये नॉर्मल हम सीधी सिलाई में इनको नेट करते हुए इन सभी फंदों को एक के ऊपर से स्लिप करते हुए हम इन यहाँ पे ग्यारह फंदे बंद कर देंगे फंदे थोड़े लूज मीडियम ना तो बहुत लूज बंद कीजिएगा ना बहुत टाइट बंद कीजिएगा मीडियम मीडियम टाइटनेस पे यहां से हम ग्यारह फंदे बंद कर देंगे दो फंदे बंद हो गए मेरे ऐसे करते हुए मैं यहां पे ग्यारह फंदे बंद कर दूंगी तीन ये देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपने 11 फंदे बंद कर दिए हैं और अब यहां से सेंटर में हम फोर्टी एट स्टिचेस सीधे सीधे नेट कर लेंगे इनफेक्ट ये पूरी रो हम एंड तक पूरी यहां से ग्यारह फंदे बंद करने के बाद एंड तक हम सारे फंदे सीधे सीधे नेट कर लेंगे ये देखिए ये मैंने अपनी रो जो है वो कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स अब मैं इस साइड से, से तो ये धागा हमारा वैसे भी कर सकते हैं अब, पूरी रो सीधी कर ली, अब यहां से मैं उल्टा उल्टा नेट करते हुए इसको यहां पे ग्यारह फंदे में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बंद की रो की सेम तरीके से मैं इस साइड पे भी ग्यारह फंदे बंद कर दूंगी देखिए यहाँ पे मैंने अपने ग्यारह फंदे बंद कर दिए और अब मेरे पास यहाँ सेंटर में फोर्टी एट स्टिचेज हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बताती हूँ अगर आप इसको फोर फाइव नंबर के लिए फोर फाइव फोर फाइव नंबर के लिए बना रहे हैं तो, है तो आपके पास यहाँ पर फोर्टी सिक्स स्टिचेज एम्पल होंगे अगर आपको आप इसे सिक्स या सेवन नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप सेंटर में यहाँ पे फोर्टी एट स्टिचे रखिएगा और अगर आप उसको उससे बड़े यानी एट नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे सेंटर में फिफ्टी स्टिचे कीजिएगा अब मैं इसको सिक्स नंबर्स के लिए बना रही हूं तो मैंने यहाँ पे सेंटर में फोर्टी एट सीटेंस रखे हैं फ्रेंड्स और अब मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे मेरा बंद हो गया अब मैं मुझे ये वाला पार्ट जो है आगे का ये जो पार्ट है फ्रेंड्स हमें ये नेट करना है इस पार्ट को नेट करेंगे फ्रेंड्स हम और इस पार्ट में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं यहाँ पे हम सिर्फ सीधा सीधा स्टॉक निट मैंने नेट किया हुआ है यहाँ पर कुछ भी चेंज इतने पार्ट में यहां से लेके यहां तक इसमें जब तक थम की शेपिंग थम कटिंग नहीं होगी तब तक यहां पर हमने कुछ नहीं करना अब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली तीन इंच के अराउंड इसको यहां पर स्टॉक नेट में नेट कर लूंगी सीधा उल्टा ही मैं यहां पर नेट करूंगी अगर आप इसको छोटे में बना रहे हैं फोर या फाइव का बना रहे हैं तो आप इसको टोटल यहां से लेके यहां तक 2.75 इंच नेट कीजिएगा पुणे तीन इंच के अराउंड नेट कीजिएगा और अगर आप इसको बड़े नंबर के लिए बना रहे हैं एट नंबर के लिए बना रहे हैं या सेवन नंबर के लिए भी आप इसको थोड़ा बड़ा सिक्स या सेवन के लिए मैं इसको सात इंच यहां तक निट करूंगी एट नंबर के लिए सॉरी सिक्स और सेवन के लिए मैं इसको तीन इंच यहां पे निट करूंगी और अगर मैं उससे बड़ा साइज बनाती हूं एट नंबर बनाती हूँ तो मैं इसको सवा तीन या साढ़े तीन के अराउंड आगे निट करूंगी अब इसमें कुछ नहीं होगा यहां पर ये यह सारे फंदे हम इसी तरीके से सीधा उल्टा स्टॉकनेट में इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक इसकी लेंथ जो है वो तीन इंच नहीं हो जाती तो ये मैं पूरा तीन इंच तक करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स मैंने यहां पर इसको थ्री इंचेस यहां से पूरा इसको थ्री इंचेस नेट कर लिया है यहां तक मैं आपको एक बार मेजर करके बता देती हूं यह देखिए यहां से यहाँ तक ये यह पूरा थ्री इंच हो गया ये जो पर्पल लाइन थी यहाँ पे लास्ट वाली इसको टोटल ये यह यहाँ से थ्री इंचेस हो गया है फ्रेंड्स अब हम फ्रेंड्स इसके अंदर थंब और ये वाला जो हमारा थंब और जो फिंगर्स है उनका डिवीजन करेंगे ये डिवीजन करने से पहले फ्रेंड्स ये जो दो जब ये सॉक्स हम बनाते हैं तो ये लेफ्ट और राइट right की यहां तक तो सेम बनती है लेकिन इसके आगे वाला जो थम्प और जो फिंगर्स है वहां पे थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है कैसे होता है फ्रेंड्स जब हम इसको राइट right के लिए बना रहे हैं जब हम इसको राइट right साइड uh, के फुट के लिए बना, जैसे मैंने ये राइट right साइड के लिए बनाया और ये वाला मैं लेफ्ट साइड के लिए बना रही हूँ तो जब हम राइट right साइड के फुट के लिए बनाएंगे तो हमारा थम्ब जो है वो राइट right साइड से यहाँ पे सबसे पहले हम थम बनाएंगे राइट right साइड पे थम्ब आएगा और जब हम लेफ्ट फुट के लिए इधर वाले फुट के लिए बनाएंगे लेफ्ट फुट के लिए बनाएंगे तो पहले हमारी फिंगर्स आएंगी और थंब हमारा लेफ्ट पे जाएगा राइट right फुट के लिए जो थंब है वो राइट right में रहेगा और लेफ्ट फुट के लिए जो थंब है वो लेफ्ट में रहेगा इस तरफ पहले फिंगर्स आएंगी राइट right वाली साइड पे फिंगर्स आएंगी और लेफ्ट वाली साइड पे हमारा थंब आएगा तो सारा बाकी पूरी सॉक सेम रहती है सिर्फ इतना डिफरेंस आता है कि जब हम राइट right साइड के लिए बनाएंगे तो थम के जो फंदे हम रखेंगे वो राइट साइड पर रखेंगे और लेफ्ट साइड के सॉक्स में हम अपने थम के जो फंदे हैं वो लेफ्ट साइज में रखेंगे और फ्रेंड जब आप ये वाला पार्ट बनाते हैं इसको आपको कैसे मेजर आपको लेंथ जो है वो कैसे मेजर करनी है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ मेरे पास ये फॉल्स फूड है फ्रेंड और ये फ्रेंड ये जो फूड है ये फोर नंबर का है तो मैं आपको अप्रॉक्सिमेटली जैसे इससे करके बता रही हूं हमें मैं ये सिक्स नंबर की बना रही हूं तो ये छोटा है उसके हिसाब से लेकिन आप कैसे नापेंगे इसको आपका जो हील वाला एरिया है उसको आप बिल्कुल एंड में जहां पर ये आपका फंदे डाले हैं आप इसको वहां पे रखिए ऐसे बिल्कुल यहाँ पे रखिएगा और जो हमारा जो ये रेडी होगा रेडी होना चाहिए इसको फिंगर्स हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसको आप रेडी कीजिएगा अप्रोक्सीमेटली इतना नीचे ताकि जब स्ट्रेच होगा तो वो यहां तक आ जाएगा तो जैसे अब मैं इसको अगर मैं इसको फोर नंबर के लिए बना रही होती तो मैं ये वाला फिंग पार्ट जो है इसको थोड़ा नीचे रखती लेकिन अब मैं इसको सिक्स नंबर के लिए बना रही हूं तो इमेजिन मेरा ये लेंथ जो है ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ली है मेरी फिंगर्स यहां पर आ रही है और मैंने सिक्स से इसको इतना छोटा रखा है अपने फुट से अप्रॉक्सीमेटली हाफ इंच के करीब इसको नीचे रख के उसको इस तरीके से मेजर कीजिएगा अब फ्रेंड्स हम इसका डिवीज़न करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे फ्रेंड्स हम इस टोटल में जनरली जब हम अपना सॉक्स बनाते हैं तो थम के अंदर हम सत्रह सोलह सत्रह ऐसे फंदे रखते हैं तो यहाँ पे अपना जो थम बनेगा उसके अंदर एटीन क्योंकि बड़े पैर के लिए है आप और बड़े पैर के लिए सात आठ नंबर के लिए सात आठ नंबर के बनाएंगे तो यहाँ पे ट्वेंटी स्टिचेज आप थम के लिए रखिएगा और फाइव सिक्स के लिए यहाँ पर सिक्सटीन से एटीन फंदे एम्पल हैं एटीन तो जो है वो परफेक्ट हैं और बड़ा पैर अगर सात या आठ के लिए आप बनाएंगे तो इनको ट्वेंटी कीजिएगा तो आपके पास यहाँ फंदे भी फिफ्टी होंगे तो आप इन फंदों को ट्वेंटी कीजिएगा फ्रेंड्स हम क्या करेंगे हमें इस साइड पे पहला स्टार्टिंग में हमारा पंजे वाला पार्ट बनेगा फिंगर्स बनेंगे और यहाँ पे हमारा थम बनेगा तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो एटीन फंदे काउंट कर लेती हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह ये अठारह फंदे फ्रेंड्स हमारे थम के हो गए यहाँ पर मैंने एक मार्कर लगा दिया आपके पास जो भी हो धागा वगैरह आप कुछ भी लगा सकते हैं अब यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास ये जो थर्टी फंदे बचे मेरे पास यहाँ टोटल फोर्टी एट स्टिचे थे फोर्टी एट में से एटीन फंदे मैंने थम के लिए ले लिए तो मेरे पास यहाँ अपने फिंगर्स के लिए थर्टी स्टिचेस बचे हैं और थर्टी स्टिचेस का जो हम फिंगर बनाएंगे वो यहां पर इस तरीके से उनको हम रिड्यूस करते हैं ये साइड से रिड्यूस नहीं करते एक साइड से हम इनको रिड्यूस करते जाते हैं तो जो सेंटर हम ले लेंगे यहां पे अब थर्टी का सेंटर हुआ थर्टी का हाफ हुआ फिफ्टीन तो यहां से मैं फिफ्टीन स्टिचेस काउंट करूंगी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये पंद्रह हो गए फ्रेंड्स यहां पर मैं एक और मार्कर लगा दूंगी ये मेरे फिंगर्स का सेंटर है अब हम ये वाले जो मेरे स्टिचेज हैं मैं इनको नेट नहीं करूंगी मैं पहले इन फंदों को नेट करूंगी यहाँ पर अपनी फिंगर्स बनाऊंगी उसके बाद हम थंब वाला पार्ट बनाएंगे तो आइए हम देखते हैं फिंगर्स कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स ये पंजा बनाने के लिए हम ये स्टार्टिंग के इस मार्कर से पहले ये वाला पूरे थर्टी स्टिचेज मेरे पंजे के हैं यहाँ पर मैं अपना इन वाले स्टिचिज में यहाँ के दो फंदे छोड़कर मैं ये सारे फंदे सीधे ये वाला जो फर्स्ट मार्कर है मेरा जो सेंटर है मेरे टोका उसमें मैं यहां पर दो स्टिचेस छोड़ के ये सारे फंदे सीधे सीधे नेट कर लूंगी ये देखिए ये मैं अपने फंदों के सेंटर में आ गई हूं मेरे पास यहाँ दो स्टिचेस अभी ये टोटल फिफ्टीन में से मेरे पास यहाँ पे दो स्टिचेस है मैंने थर्टीन स्टिचेस को नेट कर दिया है अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यहां पर इन दो स्टिचेस को दो का एक कर देंगे यहां पर ये ऐसे दो का एक कर दीजिए उसके बाद मार्कर उतारिए और नेक्स्ट दो फंदों को भी हम दो का एक करेंगे लेकिन ये जो दो फंदे करेंगे इनको हम बैक लूप से दो का एक करेंगे क्योंकि ये इन फंदों को हमें राइट इंक्लाइन कराना है तो ये जो फंदे हैं इनको हम बैक लूप से ऐसा करने से फ्रेंड्स यहां पर एक चोटी बन जाती है क्लैरिटी आ जाती है रिड्यूस आप जैसे जाए वैसे कर सकते हैं लेकिन जब आप ये बनाते हैं तो देखिए यहां पर चोटी आई हुई है ये दोनों तरफ चोटी आई हुई है उसके लिए यहां पर जो दो फंदे हैं स्टार्टिंग के ये वाले जो फंदे हैं मार्कर से जो पहले फंदे हैं उनको आप फ्रंट लूप से दो का एक कीजिए और जो ये वाले फंदे हैं मार्कर के बाद वाले फंदे हैं मार्कर के लेफ्ट साइड पे जो फंदे हैं उनको हम बैक लूप से उनको हम बैक लूप से दो का एक करेंगे अब बाकी जो फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा इस वाले मार्कर तक ये सारे फंदे हम सीधे सीधे एज इट इज निट कर लेंगे ये देखिए ये मैंने अपने पूरे फंदे जो है वो निट कर लिए मेरे पास फिफ्टी स्टिचेस को मैंने थर्टी स्टिचेस को मैंने अलग किया था अब मेरे पास यहाँ पे दो स्टिचेस कम हो गए हैं और यहाँ पर मेरे पास ट्वेंटी एट स्टिचेस हो गए हैं अब हम यहीं से अपना वर्क टर्न कर लेंगे अभी हम थम को नहीं नेट कर रहे हैं हम सिर्फ अपने टो पार्ट को नेट कर रहे हैं अभी हम थम को हाँ भाई हम थम को नेट नहीं कर रहे हैं तो हम यहीं से अपना पार्ट जो यहीं से अपना वर्क टर्न कर लेंगे और ये पूरी रो ये पूरी सिलाई सिंपल सीधी उल्टी उल्टी नेट कर लेंगे इसमें कुछ कोई रिड्यूस रिडक्शन नहीं होगा ये पूरी रो उल्टी उल्टी नेट कर लेंगे ये देखिए ये फिर से आ गए हम लोग अपनी आ, सीधी सीधी रो पर अब हम यहां से फिर वही करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था अब मैं यहां से फिर से सारे फंदे निट करूंगी लास्ट के दो छोड़कर ये देखिए ये फिर से अब हम मार्कर पे आ गए अपने मेरे पास दो फंदे है इन दो फंदों को हम फ्रंट लूप से नॉर्मल जैसे हम दो का एक करते हैं बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल बुनते हुए इनको हम दो का एक कर देंगे इस मार्कर को उतारिए और फिर से ये दो दो नेक्स्ट फंदे हैं इनको बैक लूप से दो का एक कर दीजिए सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ्रंट लूप से और जब आप यहाँ पे करेंगे तो उसको आप बैक लूप से निट कर दीजिए अब ये सारे फंदे मार्कर तक सीधे सीधे निट कर लीजिए और उसके बाद उल्टी रो पूरी उल्टी ये देखिए ये मैंने अपनी सीधी रो फिर से नेट कर लिया लास्ट के मार्कर से पहले दो फंदों पे आ गई हूँ मैं इनको फिर से दो का एक करूंगी और ऐसे ही मैं मार्कर उतार के फिर से बैक लूप से इनको दो का एक करूंगी फ्रेंड्स अब मैं ऐसे ही इनको नेट करते जाऊँगी और मैं यहाँ पर बारह सिलाइया ऐसे ही छः उल्टी छः सीधी मैं बारह फंदे इन ऑल छः यहां से छ यहाँ से दोनों तरफ से मैं फंदे हर सिलाई में मेरे दो फंदे रिड्यूस हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर छे सीधी रोज निट करूँगी तो मेरे पास यहाँ बारह फंदे रिड्यूस हो जाएंगे इन ऑल मुझे बारह रोज़ करनी है छः सीधी और छः उल्टी टोटल बारह रोज़ में यहाँ पर निट करूंगी और यहाँ पर मेरे थर्टी तीस फंदे थे तीस में से बारह तो मेरे पास यहाँ ऊपर अट्ठारह फंदे बचेंगे तो ये मैं कर लेती हूँ मैंने इनको तीन बार रिड्यूस कर लिया है मैं इसको और आ, आ, तीन बार रिड्यूस कर लेती हूँ छह फंदे मेरे यहाँ पे रिड्यूस हो गए हैं मैं छह फंदे और इसमें रिड्यूस कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसका थम कैसे बनाएंगे ये देखिए ये मैंने अपनी ग्यारह सिलाइया बारह सिलाइयाँ फ्रेंड्स टोटल पूरी कर ली हैं ट्वेल्थ बार मैंने छः बार मैंने इसको दोनों बार दोनों एक को रिडक्शन कर लिया है मेरी ट्वेल्थ रोज पूरी हो गई हैं अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ मेरे पास यहाँ मेरेडल में टोटल अठारह स्टिचे बचे हैं फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे इस फंदों को सीधा सीधा हम नेट कर लेंगे अप टू आर मार्कर ये वाला जो मार्कर है हम यहां तक अपने ये फंदे सीधे सीधे ऐसे नेट कर लेंगे अब इसको हटा देंगे और फ्रेंड्स इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे लेकिन हम थ्री निडल बाइंड ऑफ जो होता है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे यहाँ से और हम इन दोनों फंदों को साथ में लेते हुए इन दोनों फंदों को जैसे हम स्वेटर की शोल्डर के साथ हम करते हैं एक थर्ड निडल ये दो निडल तो एज है तीसरी निडल से हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे फंदों को तो पहला निडल हमने इसमें डालेंगे और फिर दूसरे वाले फंदे में डालेंगे साथ में ही और इनको हम दोनों को एक साथ नेट कर लेंगे ऐसे हमने इन दोनों को एक बना के नेट कर लिया फिर हम नेक्स्ट फंदा ऐसे ही नेट करेंगे पहले वाले में डालेंगे और फिर दूसरे वाले में ऐसे करके इसको भी नेट कर लेंगे और अपने इस वाले फंदे को पीछे वाले पहले फंदे को इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे ऐसे ही हम अपने सारे के सारे स्टिचेस फ्रेंड्स ये बाइंड ऑफ कर देंगे अपना हाथ ना बहुत टाइट रखिएगा ना बहुत लूज रखिएगा मिडल टाइप से इसको नेट कर बाइंड ऑफ कीजिएगा ये देखिए ये सारे फंदे मेरे बंद हो गए हैं मेरा लास्ट ये फंदा है अब इस वाला जो धागा है फ्रेंड्स हम इसको यहाँ से कट कर देंगे हमें ये नहीं चाहिए हम इसको थम में स्टार्ट करेंगे लगाना लेकिन धागे था, को थोड़ा लंबा छोड़ेगा बिकॉज ये हमारा स्टिचिंग में काम आएगा मैं इसको थोड़ा सा लंबा रख के इस धागे को यहाँ से ऐसे पुल कर दूँगी और ये हमारा थम का जो पार्ट ये जो फिंगर्स टो पार्ट है हमारा फ्रेंड्स ये रेडी हो गया ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर रेडी हो गया ये देखिए यहाँ पर एज आई है ऐसी अब फ्रेंड्स आ गए हम अपने थम वाले पार्ट पे थम वाले फ्रेंट थम वाले पार्ट को भी हम जैसे हमने अपना ये फिंगर्स में दस बारह बारह रोज की हैं वैसे ही सेम हम यहाँ पर थम में बारह रोज स्टॉकनेट के कुछ कम नहीं करेंगे कुछ बढ़ाएंगे नहीं मैं यहाँ पे धागा ज्वाइन कर लेती हूँ ये धागा ऐसे ज्वाइन करके हम बारह रोज छः सीधी छः उल्टी बारह रोज हम स्टॉकनेट की सीधी उल्टी की बुनेंगे इसमें कोई कुछ कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं होगा कोई फंदा डिक्रीज नहीं होगा जो भी करेंगे हम अपनी थर्टीन रो पे जाके करेंगे तो मैं यहाँ पे बारह रोज सीधे उल्टे की नेट कर लेती हूँ अगर फ्रेंड्स आप ये जो सॉक्स है ये जैसे मैं फाइव सिक्स नंबर के लिए बन रही है तो इसमें तो आप यही रखिएगा लेकिन अगर आप इसको सेवन या एट नंबर के लिए बना रहे हैं तो जो हमने ये बारह रोज नेट की इनको आप चौदह या पंद्रह रोज नेट कीजिएगा बिकॉज फिंगर्स और थम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उनका तो आप इस ये जो आपने अभी मैंने बारह रोज़ बताया आपको नेट करने के लिए सेवन या एट नंबर के लिए आप इनको चौदह या पंद्रह नेट कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके फंदे जो है वो टोस पे कम हो जाएंगे तो आप कुछ रोज़ खाली तीन रोज़ जो है वो सिर्फ ऐसे ही बिना कुछ रिड्यूस किए सीधी सीधी नेट कर दीजिए इसमें रिडक्शन मत कीजिएगा यहाँ पे तीन रोज़ तीन या चार रोज़ आप सीधी सीधी सीधे उल्टी की ऐसे ही नेट कर दीजिएगा तो अब मैंने ये फ्रेंड्स फर्स्ट रो अपनी नेट कर ली है ऐसे ही मैं यहाँ पर ग्यारह रोज़ और एक हो गई है ऐसे ही बारह बारह रोज मुझे टोटल करनी है एक हो गई है मैं ग्यारह रोज और निट कर लेती हूँ सिर्फ सीधा उल्टा उल्टरनेट करूंगी कुछ और इसमें चेंज नहीं होगा ये देखिए यहाँ पर मेरी ट्वेल्व रोज कंप्लीट हो गई हैं कुछ नहीं मैंने सिर्फ इसको सीधा सीधा स्टॉक नेट में किया है फ्रेंड्स और अब हम इन यहाँ पर जितने भी हमारे फंदे हैं उन सबको हम दो का एक कर देंगे थर्टीन रो है फ्रेंड्स ये मेरी और इस रो में मैं हर दो फंदे को दो का एक करके यहां पर मैंने अठारह फंदे लिए थे मैं इनको हाफ कर दूंगी सारे फंदों को दो का एक कर देंगे हम अपनी थर्टीन रो में ट्वेल्थ रो में हम इसको बिल्कुल सीधा सीधा स्टॉक नेट में नेट करेंगे और थर्टीन रो में आके हम इन फंदों को हाफ कर देंगे अब इस थंब को हमने बंद करना है फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स हमको ये थम बनाने का जो वे है इस थम को हम दो तरीके से बना सकते हैं ये सारे के सारे फंदे मेरे पास नौ फंदे रह गए अब इस थम को हम दो तरीके से बना सकते हैं सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि हम इन फंदों को इसके ऊपर से जितने भी मेरे फंदे हैं मैं इनको इसके ऊपर से ऐसे करके स्लिप करते जाऊँ एक ऐसे कर दिया दो ऐसे 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 करके मैं ये सारे फंदे इसके ऊपर से स्लिप कर जाऊ कर दूंगी या फिर हम दूसरा तरीका जो होता है वो अपने धागे को सुई में डाल के और उससे भी इसको बंद कर सकते हैं आपको जैसा इजी लगे आप उसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं वे दूसरे तरीके में मैंने यहाँ से धागा काट लिया है और इसको एक निडल में मैंने थ्रू कर लिया है अब ये सारे के सारे जो धागा है मेरा मैं इन सब फंदों में से थ्रू कर दूंगी ऐसे ये देखिए ये सारे के सारे फंदे मैंने इसमें से थ्रू कर दिए और फिर मैं यहाँ से एक बार फिर से दोबारा से इनको और अच्छे से मजबूत करने के लिए मैं इनको फिर से एक बार थ्रू कर दूंगी कोई भी फंदा छोड़िएगा नहीं सारे के सारे फंदों में से हम डबल धागा एक बार इसमें से ऐसे करके निकाल देंगे तो जो भी तरीका आपको इजी लगे आप उस तरीके से करिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी फ्रेंड्स उसमें थम्ब आपको दूसरे तरीके से जो मेरा पहले वाला तरीका मैंने बताया उससे बताऊंगी यहाँ पर मैंने एक्चुअली फर्स्ट वाले जो थम्भ था वो इस तरीके से बनाया था तो इसलिए मैंने इसको भी ऐसे ही बनाया है देखिए यहाँ पर ये डबल करने से ये इस तरीके से आ गया है यहाँ पर अब सेम धागा मैंने रखा है इसको मैंने बहुत लंबा नहीं रखा है फ्रेंड छोटा रखा है और इसको हम यहां से इस जगह से ऐसे यहां तक इसको स्टिच कर देंगे ये थंब हम यहां से ऐसे इसको स्टिच कर देंगे देखिए ये थम मैंने स्टिच कर लिया है लेकिन अब मैंने अभी अब इस धागे को जो कट नहीं किया है फ्रेंड्स कई बार जब हम इसको यहाँ से आगे वाले पार्ट में स्टिच करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा होल रह जाता है उस होल को एडजस्ट करने के लिए मैंने धागा फिलहाल छोड़ा है इस धागे को हम बाद में अगर फाइनल सही हो गया पूरा कोई होल नहीं हुआ तो हम फाइनल में बाद में उसको कट कर देंगे अब फ्रेंड्स मैंने ये वाला जो धागा इसके साथ मेरे टो के साथ जो धागा था मैंने उसमें उसके उस वाले में निडल मैंने डाल ली है अब हम यहाँ से इसको इस वाले पार्ट को ऐसे यहाँ पे स्टिच करेंगे जैसे हमने थम को स्टिच किया इसको यहाँ तक स्टिच करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से ये यह जो थम वाला पार्ट है और ये जो सॉक्स वाला पार्ट है इसको यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ तक यहाँ तक इसको हम स्टिच कर लेंगे इन दो पार्ट्स को और पीछे से यहाँ पर इस वाले धागे में धागे से हम इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे पीछे वाले पार्ट को भी स्टिच कर देंगे इस वाले पार्ट को यहाँ तक यहाँ पे ऊपर तक इस जगह तक हम ये सारा पहले थम के पार्ट पहले टो के पार्ट को यहाँ तक बंद करेंगे उसके बाद आगे दोनों थंब और इनको पार्ट को साथ में लेते हुए इसको यहाँ तक स्टिच कर लेंगे मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स ये सॉक्स मैंने पूरी नेट स्टिच कर ली है ये इस तरीके से यहाँ पर आई है ये पीछे से भी स्टिच हो गई है और एकदम रेडी है तो फ्रेंड्स आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सॉक्स कैसी लगी और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू